पूछा गया था एक्स स्क्वायर अपॉन वाई जेड, तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं। सो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल के इस वर्ल्ड। तो गाइस आज मैं आपको कराने वाला हूँ मेरे कबूतरों का शौक, रंगीन कबूतरों का शौक करूँगा। गाइस बहुत ही अच्छे कबूतर है मेरे पास और बहुत अच्छा कलेक्शन कर रखा है मैंने, तो मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो पूरा अंत तक देखना। और हाँ, जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपको पेट्स के रिलेटिव ऐसी वीडियो मिलती रहेगी। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। चलते छत पे और आपको बताते हैं कबूतर। ऐसे सारे कबूतर अभी खोल ही रखा है, ये देखो अपना सेटअप, सारा सेटअप तो आपने देख ही रखा। नहीं देखा तो आप मेरे चैनल में जाके मेरा सेटअप देख सकते हो। तो ये रहे अपने कबूतर, सारे कबूतर गाइस अभी बाहर ही है, तो इनको इसको बाहर निकालते हैं। एक ही नीचे तलवारा। तो फ्रेंड्स ये रहे अपने बारी बारी से आपको मैं कबूतर बताऊंगा, सबकी नस्ल बताऊंगा और कैसे हैं। या इसके कोई पकड़ के दिखा नहीं सकता, आधे कबूतर अपने हाथ में नहीं आते, आधे आ जाते आधे हाथ में नहीं आते। तो बताता हूँ मैं आपको, तो सबसे पहले मेरी सबसे पुरानी कबूतरी बताता हूँ मैं आपको। तो ये रही, ये इसके ये पाँव मोच है, तो इसकी आधे मतलब जो पाँव में जो नसें होती है ना पाँव मोच की, वो दो तीन नसें इसकी निकल गई थी तो कट गया था मतलब। तो ये लंगड़ा लंगड़ा के चलती है और ये सबसे पहली कबूतरी गाइस यहाँ से तुम्हारे भाई ने स्टार्टिंग करी थी। तो ये लखे में से मिक्स है, पाँव मोच है चूटीदार। उसके बाद गाइस सबसे उसके बाद मैं लाया था ये वाला कबूतर, ये वाइट वाला बैठा ना, ये वाला नहीं इसके इधर वाला ये बैठा ना, ये और वो सामने देखो ये जो गुटक रहा, ये दोनों मैं साथ लाया था। मतलब तीन कबूतर से स्टार्टिंग करी थी और आज मेरे पास 20-19 कबूतर आराम से। तो आधे कबूतर अपने गए उस एरिया में उड़ रहे हैं, मतलब खोल के बैठा रहता हूँ तो घूमते रहते। तो ये रहे, ये अपने सफ़ा में से निकलो हुई पट्टी है जो बहुत प्यारी पट्टी है। और ये अपना शेर, ये रहा पामोच। और ये अभी अपना नया पट्टा निकला था जो ये काशनी में से निकला, काशनी और वो लाल दिख रहा वैसी मादिन थी मेरे पास, उनमें से निकला ये बच्चा। ये अपना जंगला चांदना, ये भी सफ़ा में से निकला क्योंकि इसकी मादिन भबरी है, थोड़े भबरे टाइप में। और ये अपना ठीटर, ये अपनी नपती चोटीदार, ये इनकी पट्टी जो मैंने बताया था ना सबसे पहले लाया था, इनकी नपटी चोटीदार। ये रही सफाई पट्टी, ये रही, ये अपना सेटअप है। ये सेटअप तो आप देख ही चुके हो, तो एक बार वापस फिर से बता देता हूँ। अभी थोड़ा गंदा सो रहा, साफ तो कर दिया था लेकिन ये दाग रह जाता है। और सामने अपने कबूतर है, ये रहे अपने सारे कबूतर। गए सारे कबूतर यही है, दो कबूतर अपने सामने उस वाले एरिया में, बाकी ये सारे कबूतर है। और अब गाइज मैं बताता हूँ आपको कबूतर अपने, तो देखना अब ढंग से आपको सारे कबूतर दिखेंगे। तो ये रहे, तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर भाई गाइस फिर से बोल रहा हूँ, थोड़ा बहुत सपोर्ट करो तो अच्छी अच्छी वीडियो और लेके आऊँगा। गाइस आप सपोर्ट नहीं करते तो वीडियो बनाने में मोटिवेशन नहीं मिलता, अगर आप लाइक करते हो सब्सक्राइब करते हो तो वीडियो बनाने की इच्छा होती है।